हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यूपीएससी परीक्षा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में कवर करने वाले हैं एज रिलेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। दोस्तों, मैं अपनी वीडियो में आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूँ जो कि एज रिलेशन चैप्टर्स हमारे होंगे। और अभी मैं आपको चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको पूरा चैप्टर भी कराऊंगा एज रिलेशन का। तो कुछ क्वेश्चंस है जो हम इस वीडियो में आज कवर करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा इस प्रकार से है, दोस्तों पहला क्वेश्चन है, 16 वर्ष पहले मेरे दादा की आयु उस समय की मेरी आयु से 8 गुना अधिक थी, अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु मेरी आयु की 3 गुनी होगी। 8 वर्ष पहले मेरी आयु मेरे दादा की आयु का अनुपात क्या था? तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए एसएससी सीजीएल 2002 का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए इसी को करते हैं सबसे पहले। और 16 वर्ष पहले, तो हमें क्वेश्चन में जैसा देखिए यहाँ पर लिखा है हम वैसा लिख लेते हैं पहले। 16 वर्ष पहले कह रहा है तो यहाँ पर मैं 16 लिख ले रहा हूँ, और 16 वर्ष पहले कहा है कि जो मेरे दादा है, तो यहाँ दादा के लिए मैं लिख ले रहा हूँ दादा, और फिर इसके बाद मेरी आयु, ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख लिया। तो 16 वर्ष पहले मेरे दादा की आयु उस समय की मेरी आयु से 8 गुना अधिक थी। तो देखिए मेरे दादा की आयु मेरी आयु से 8 गुना अधिक है, तो इस वक्त मैं अपनी आयु को 1 साल मानता हूं, और इस वक्त जो दादा होंगे वो 8 गुना यानी कि 8 साल के हो गए। तो ये 16 वर्ष पहले की बात है। और इसी प्रकार से यहां पर लिखा है, अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु मेरी आयु की 3 गुनी होगी। तो देखिए अब से 8 वर्ष बाद, मतलब वर्तमान यहां बीच में बीत जाएगा और उसके बाद 8 साल, तो यहां 8 साल बाद है, तो मैंने प्लस लगा दिया बाद के लिए। और यहां पर जो मेरे दादा की आयु है मुझसे 3 गुनी हो गई है, तो यहां पर 3 साल के दादाजी होगा और मैं 1 साल का हो गया, ठीक है। तो दोनों जगह देखिए मैंने अपने आप को 1 साल का रखा है, और जैसा उसने कहा कि मेरी आयु से मेरे दादा की आयु 8 साल है, तो मैंने 8 गुना कर दिया, और यहां पर 1 साल है तो यहां पर मैंने 3 गुना कर दिया। अब दोनों का हमें अंतर देखना है, तो देखिए यहां पर देखिए अंतर क्या है, 7 साल है, ठीक है, और यहां पर जो अंतर है ये कितना है, ये आपका आ रहा है 2 साल। तो देखिए कभी भी क्वेश्चंस में करते वक्त ये ध्यान रखे करें कि जब भी किसी दो व्यक्ति की बात करता है तो उन दोनों व्यक्ति की जो आयु होती है, ठीक है, जो दोनों व्यक्ति की आयु होती है वो हमेशा, चाहे 2 साल पहले हो या 2 साल बाद, हर वक्त क्या होती है, बराबर रहती है, ठीक है, याद रखिएगा, हर वक्त क्या रहेगी, बराबर रहेगी। तो इसी प्रकार से यहां पर देखिए दोनों की आयु में जब हम अंतर की बात कर रहे हैं, तो यहां पर कितना है, 7 है, और यहां पर कितना है, 2 है, तो इसको पहले हम बराबर कर लेते हैं। तो यहां पर हम करेंगे 2 से गुणा, ठीक है, और इस नीचे वाले में कर देंगे 7 से गुणा, तो 2 के 7 से जब गुणा करेंगे तो ये कितना जाएगा, 14 हो जाएगा, और इसी प्रकार से जब हम 7 की 2 से गुणा करेंगे तो ये भी 14 हो जाएगा। तो देखिए दोनों की आयु में हमने अंतर को बराबर कर लिया है, और इस वाले 2 से अब हम दोनों की आयु में गुणा करेंगे ऊपर। तो यहां पर ये जो दादा है ये 16 साल के हो जाएंगे, 8 × 2 = 16, और 1 का जब हम 2 से गुणा करेंगे तो यहां आ जाएगा 2, ठीक है। इसी प्रकार से जो 7 है हम 3 से गुणा करेंगे, 7 की तो आ जाएगा 21, और 7 की जब हम 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 7 × 7। तो देखिए 16 साल पहले दादाजी 16 साल के थे, और अब कितने के हैं, 21 साल के। तो देखिए इनकी आयु में कितने साल की वृद्धि हो गई, इनकी आयु बढ़ गई 5 साल, और इसी प्रकार से देखिए मेरी जो आयु है वो भी 5 साल बढ़ गई। तो हाँ, ये अब हमारा क्या आ गया, अंतर बिल्कुल इक्वल आ गया, तो यहां पर हम दोनों बराबर बराबर बढ़ रहे हैं। बशर्ते देखिए क्वेश्चन में क्या हो रहा है, यहां पर हम बात करें तो देखिए 16 साल पहले, ठीक है, और 8 साल बाद, तो कुल कितने साल का गैप हो गया, यहां पर देखिए हो रहा है कुल 24 साल का गैप, कितने साल का गैप हो रहा है, 24 साल का। इसी प्रकार से यहां पर जो गैप हो रहा है वो रहा है मात्र 5 साल का, तो इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, बराबर कर लेंगे, तो हमारे हिसाब से यहां पर कितना गैप आ रहा है, 5 साल का, प्रश्न में कितना आ रहा है, 24 साल का, ठीक है। तो ये लिख लिया, और ये 24 ऊपर लिखेंगे और 5 नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 24/5 गुना। अब जितनी भी आयु आपको यहां पर दिख रही है वो सब कितनी हो जाएगी, 24/5 गुना हो जाएगी। आप करिएगा क्या, आप जो कोई सी भी एक आयु है, चाहे 16 साल पहले वाली या 8 साल बाद वाली, कोई सी भी एक आयु से दोनों की आयु को निकाल लीजिए पहले। तो यहां पर 21 वर्ष है, 21 वर्ष को जब हम 24/5 से गुणा करेंगे, ठीक है, 24/5 से गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, देखिए मैं गुणा करके दिखा दे रहा हूँ आपको, पहले मैं इसको काट दे रहा हूँ, ठीक है, देखिए 5 से मैं इसको काटूंगा तो ये आएगा आपका 4.8, ठीक है, और जब आप 21 से 48 की गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 168 का 8, हाँ से लग गया 16,
ठीक है, और 21 चौक 84, 84 और 16 आपका कितना होता है 100 होता है, तो आएगा 108.8। ठीक है, ये 8 वर्ष बाद की आयु है। और इसी प्रकार से जब मैं यहाँ पर अपनी आयु निकालूंगा 5, 7 गुणा 24/5, तो ये देखिए काटने पे कितना गया, ये भी 4.8 आएगा। और जब मैं इसकी 7 से गुणा करूंगा तो देखिए 8 × 7 कितना आ जाएगा, ये 56 हो जाएगा। और यहाँ पर कैरी आ गया 5 और 7 चौक 28, 28 और 5 कितना हो गया 33। तो मेरी आयु 8 साल बाद कितनी आ गई, ये आ गई है 33.6 वर्ष। तो देखिए ये आ रहा है 100.8, ये आ रहा है 33.6। अब करना क्या है आपको, आप कुछ मत करिए, या तो देखिए पहले पॉइंट से पॉइंट हटा लीजिए, या जो 8 साल बाद आयु थी ये जो बढ़ी हुई थी इसको कम कर देंगे। तो पहले देखिए 100 में से हम 8 अगर माइनस करते हैं तो यह आएगा 92.8। ठीक है, और इसी प्रकार से जब हम 33 में से भी 8 माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 25.6। तो ये दोनों आयु आई है और हमें इनका अनुपात निकालना है, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है, जगह नहीं है थोड़ी सी, 92.8 रेशियो 25.6। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा। अब देखिए पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे और इसको हम काट देंगे। ठीक है, काटते हैं, देखिए 4 से काटते हैं, तो देखिए 4 × 2 = 8 और यहां से 1 बज के इसको दीजिए, 4 × 3 = 12 और 4 × 2 = 8। फिर यहां पर देखिए काटे 4, 6 × 24 और 4 × 16 = 64। फिर देखिए एक बार और कट रहा है, 2 से काटते हैं इसको, नहीं 4 से ही काटेंगे, देखिए 4 × 5 = 20 और 8 × 6 = 32, 58 अगर इसे 4 से काटेंगे तो आएगा आपका 16 × 64। अभी 2 से और कट रहा है तो और काट दें हमने से, तो 58 जाएगा आपका 2 × 4 = 18, 29 और ये आपका चला जाएगा 8। तो यहां से आपका जो आंसर आया 29:8 आ गया। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, लंबा क्वेश्चन था ये, और आप इस तरीके से करिएगा, कॉपी मता लीजिए, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहां से आयु कितनी आ गई है, 29:8 ही आपकी आयु आ गई। तो यहां पर देखिए कोई सा भी ऑप्शन नहीं है यहां पर, तो आपका आंसर आएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आंसर इसका क्या हो गया, 29:8। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगला है, कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है, 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक होगी, पिता की वर्तमान आयु बताइए। तो देखिए जैसे कि यहां पर 2 बार कंडीशन दे रखी है, आप दोनों कंडीशन को पढ़िए और जैसा जैसा आपको प्रश्न में कहा है वैसा वैसा आप प्रश्न में लगा दीजिए, आपका सिंपल सा आंसर आ जाएगा। देखिए पिता के लिए हम एफ लिख ले रहे हैं, ठीक है, एफ ऑफ फादर, ठीक है, और पुत्र के लिए हम एस लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो इसने पहली कंडीशन में कहा है कि पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने, यानी कि पुत्र की आयु का क्या है, देखिए तिगुना, तो हम इसको कर देंगे 3 × s, पुत्र की आयु को तिगुना कर दिया, तिगुने से 3 वर्ष अधिक है, तो इसी में हम 3 वर्ष क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये आ गए आपके पिता और पुत्र की आयु के बीच में संबंध। ठीक है, फिर आगे उसने कहा कि 3 वर्ष बाद, तो देखिए अब क्या करना, अब दोनों की आयु को पहले 3 वर्ष बढ़ा दीजिए, यानी कि पिता की आयु भी 3 वर्ष बढ़ गई और जो पुत्र था उसकी आयु भी 3 वर्ष हमने बढ़ा दी। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक होगी, तो देखिए पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, दुगनी, पुत्र की आयु को दुगना करा। देखिए अब केवल एस में आपको 2 से गुणा नहीं करनी है, 3 + s, मतलब जो s प्लस 3 था इन दोनों में ब्रैकेट लगा के आप 2 से गुणा करिए। उसने कहा है कि दुगने से 10 वर्ष अधिक है तो 10 इसमें जोड़ दीजिए और ये किसके बराबर हो जाएगा, f प्लस 3 के बराबर हो जाएगा। तो आपको यहां पर 2 कंडीशन मिल गई, एक कंडीशन पहली वाली कि जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है, जबकि दूसरी कंडीशन में है कि पिता की आयु 3 वर्ष और पुत्र की आयु 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक होगी। अब देखिए करना क्या, इस वाली एफ वाली वैल्यू को यहां से उठाइए और यहां जो एफ है यहां पर लगा दीजिए, तो देखिए इसकी जगह में अगर ये पूरी वैल्यू लगा दूं तो कितना जाएगा, 3s + 3 और एक ये वाला 3, तो प्लस में 3 आ जाएगा, बराबर यहां इंटू करेंगे तो ये जाएगा 2s। ठीक है, और फिर 2 × 3 कितना होगा, ये आपका 6 हो जाएगा और ये आपका जो 10 है ये ऐसे रहेगा। ठीक है, तो देखिए 3s और ये 2s, इस 2s को उठा के लाइए तो 3s - 2s बराबर आगे 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया और इस वाले 6 से कैंसिल हो जाएगा। देखिए जब दोनों साइन एक जैसे होते हैं तो ये सब कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो 3 और 3 कितना हो गया, 6 और यहां पे भी 6, तो इसको हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया और ये जो 10 था इसको हमने यहां लिख दिया। तो देखिए यहां क्या बचा कि 3s - 2s, 3s में से 2s गए, कितना बचा 1s और 1s की वैल्यू कितनी आ गई, 10।
यानी कि जो पुत्र है उसकी आयु कितनी आ गई, 10 वर्ष आ गई वर्तमान। अब पिता की आयु निकालनी है, तो पिता की आयु के लिए आप क्या करेंगे, ये जो एस था यहां पर आप 10 वर्ष रख दीजिए, तो देखिए क्या होगा, 3 × 10 + 3, तो ये कितना आएगा, एफ बराबर 30 + 3, ठीक है। तो यहां से जो पिता की आयु आई है वो कितनी आ गई, 33 वर्ष। तो पिता की आयु पूरी कितनी आ गई, 33 वर्ष। पिता की वर्तमान आयु कितनी है, 33 वर्ष। तो यह आपका आंसर आ गया ए वाला पहला, ठीक है। तो यहां पर आपका ए वाला आंसर बिल्कुल राइट है, इसको करिएगा। देखिए ये भी सीजीएल 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो लड़कों की आयु का अनुपात 5:6 है, 2 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 7:8 होगा, 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो देखिए ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे और देखिए कैसे करना है। सबसे पहले देखिए, दो लड़के हैं तो एक लड़का ए हो गया और दूसरा लड़का हमारा बी हो गया। इनका जो अनुपात दे रखा है ये कब का है, ये आयु का अनुपात लिखा है तो ये वर्तमान ही होगा, ठीक है। जब आपसे कह दे कि आयु का अनुपात, देखिए इससे पहले ना तो इसने वर्तमान दिया है और ना ही कहा है कि इतने साल बाद, तो ये वर्तमान ही आयु होगी आपकी। अब 5:6 का अनुपात है, तो यहां पर देखिए क्या लिखेंगे, 5:6 लिख लिया वर्तमान आयु का अनुपात, 2 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 7:8 होगा। तो देखिए 2 साल बाद ये अनुपात कितना आएगा, 2 साल बाद कितना आएगा, 7:8। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में आपको क्या समझना है कि ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं, एक ही व्यक्ति है, तो इन दोनों की आयु का अंतर हमेशा बराबर रहेगा, जब ये चाहे कितने भी बड़े हो जाएंगे आयु का अंतर समान रहता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए 5 और 1 = 6, 1 का अंतर आ गया यहां पर, ठीक है। और इसी प्रकार से 7 और 8 यहां पे भी 1 का अंतर आ रहा है, तो ये अंतर पहले से आपको क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि कितने साल बड़े हो रहे हैं, तो देखिए ये 6 साल बड़ा हो रहा है और ये कितने साल बड़ा हो जाएगा, 2 साल बड़ा हो गया, तो यहां पर 2 साल बड़ा। और प्रश्न में भी कितना कह रहा है, ये 2 वर्ष बड़ा है, तो कंपेयर करने की भी जरूरत नहीं, यही इनकी क्या आ गई, रियल एज आ गई, यानी कि ए 5 साल का था अभी और 2 साल बाद ये 7 साल का हो जाएगा, बी 6 साल का था और 2 साल बाद ये 8 साल का हो जाएगा। कह रहा है 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो दोनों में आप क्या करिए 10 वर्ष जोड़ दीजिए, 15 है और ये 6 साल का है अभी, दोनों में अगर हम 10 साल जोड़ देंगे तो ए वाला जो लड़का है वो 5 + 10 कितने साल का हो जाएगा, 15 साल का हो जाएगा, और बी वाला जो लड़का है वो 6 + 10 16 साल का हो जाएगा। तो देखिए दोनों की आयु में अंतर अभी भी 1 का ही है, और मैंने आपको बताया कि चाहे वो कितने साल बाद की पूछे या पहले की पूछेगा, दोनों की आयु में अंतर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इस हिसाब से जो नया अनुपात आया वो कितना आ गया, 15:16। तो यहां से आपका ए वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसको आप कर लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 4, और इसमें देखिए लिखा हुआ है कि 2 विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 है, उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, तो छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी है। तो देखिए 2 विद्यार्थी हैं यहां पर, हम मान ले रहे हैं एक विद्यार्थी ए है और दूसरा विद्यार्थी बी है, इनकी आयु का अनुपात कितना है, 3:2। तो देखिए हमने आयु जो थी वो 3:2 मान ली। कभी भी आपको जो आयु दी होती है, ठीक है, उसी को आप रियल मान लीजिए। देखिए ये अनुपात दिया था, हम ये मान ले रहे हैं कि जो ए है वो 3 साल का है और बी जो है वो 2 साल का है, और इनकी उम्र में जो अंतर है वो 1 साल का है, यानी कि ए जो है बी से 1 साल बड़ा है। जबकि प्रश्न में क्या कह रहा है कि जो उनमें से एक जो है वो दूसरे से 5 साल बड़ा है। अब हम यहां देख रहे हैं कि हमारे हिसाब से जो ए है वो 1 साल बड़ा है, जबकि प्रश्न में कितना का है, 5 साल बड़ा, तो कितने गुना हो गया, 5 गुना हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों इन सबको कंपेयर कर देंगे, मतलब अगर ये वाला 5 गुना है इसका, यानी कि जो हमारे हिसाब से अंतर आ रहा है वो 5 गुना हो रहा है, तो इन दोनों की जो आयु है वो भी 5 गुना हो जाएगी, मतलब ए जो है वो 5 × 3 = 15 वर्ष का हो जाएगा और बी जो है वो 5 × 2 = 10 वर्ष का हो जाएगा। तो ये दोनों की आयु आ गई। अब देखिए पूछा गया है छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी है, तो देखिए छोटा कौन है, ए छोटा है कि बी, यानी कि किसका अनुपात कम है, अनुपात कम है बी का, तो बी वाला कौन हो जाएगा, छोटा हो जाएगा और इसकी आयु हो जाएगी 10 वर्ष। तो आपका आंसर यहां राइट हो जाएगा 10, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है, काफी अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, इजी भी है और हार्ड भी है, क्वेश्चन टफ भी है, सभी प्रकार के क्वेश्चन कराऊंगा, कुल 30 क्वेश्चन कराने मुझे आपको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है,
तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था, 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आयु लिख लेते हैं। देखिए दो भाई हैं, पहला भाई ए हो गया और दूसरा भाई जो है वो बी हो गया। आयु का अनुपात कितना है, 1:2, 1:2 है। और 5 साल पहले, देखिए 5 साल पहले अनुपात कितना हो गया, 1:3। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको ये 3 कर दे रहा हूँ, 1:3 कर दे रहा हूँ, 5 साल पहले वाला 1:3। तो मैंने 5 साल पहले वाला पहले लिख लिया है। और अगर वर्तमान वाले की पूछा है तो वर्तमान वाला मैं अभी लिख रहा हूँ, ठीक है। प्रेजेंट में कितना है, 1:2, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट में रेशियो कितना है इनका, 1:2 है। और 5 साल पहले कितना था, 1:3 था। और पूछ कब करा है, 5 साल बाद का। तो पहले देखिए मैंने आपको कहता है कि दो भाई हैं और दोनों एक ही व्यक्ति है, मतलब ए व्यक्ति है और बी व्यक्ति है। यहाँ पे भी यही ए व्यक्ति और बी व्यक्ति दोनों सेम ही व्यक्ति हैं, अलग अलग समय की बात करें तो इन दोनों की आयु का अंतर क्या होगा, समान होगा। तो देखिए यहाँ पर अंतर कितना है, 2 है, और यहाँ पर अंतर कितना है, 1 है। तो ये 2 है, इसको भी 2 कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको केवल 2 से गुणा करना है, ऊपर आप गुणा मत कीजिए, क्योंकि जब आप 1 से गुणा करेंगे 2 ही आएगा। तो आप केवल नीचे गुणा कर दीजिए 2 से, तो 2 × 2 हो जाएगा अनुपात, और 2×2 = 4 हो जाएगा। तो ये वर्तमान उम्र का अनुपात आ गया, 2:4। अब इस वाले से आपका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब किससे रखना है, एक इस वाले से और एक इस वाले से। तो देखिए हमारे हिसाब से कितने साल बड़ा हो गया, 1 साल बड़ा हो गया, ठीक है। जबकि इसने क्या कहा कि 5 वर्ष बाद, मतलब ये 5 साल पहले है जबकि हमारे हिसाब से केवल 1 साल पहले जा रहा है। तो कंपेयर करना है 1 को 5 से, 1 को 5 से कंपेयर करेंगे तो कितने गुना आ जाएगा, 5 गुना आ जाएगा। अब अगर ये 5 गुना आया है तो आपको करना क्या है, आपको पहले वर्तमान की आयु निकालनी है। तो देखिए ये भी 5 गुना होकर 20 साल का हो जाएगा और ये भी 5 गुना होकर 10 साल का हो जाएगा, यानी कि वर्तमान में दोनों 10 और 20 साल के हैं। फिर पूछ रहा है 5 वर्ष बाद, कितने का पूछ रहा है, 5 वर्ष बाद का पूछ रहा है। तो आपको करना क्या है, देखिए जो 10 साल का है वो भी 5 साल बड़ा हो जाएगा तो ये 15 साल का हो जाएगा, और ये आपका 20 साल का, ये भी 5 साल बड़ा हो जाएगा तो ये 25 साल का हो जाएगा, ठीक है। अब काटेंगे जरा इसको, देखिए 5 से काटेंगे तो 5 × 15 और 5×5 = 25, तो ये अनुपात कितना आएगा, 5:3, ये आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से 5वां क्वेश्चन हमने करा है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 3 लड़कियों की औसत आयु 20 वर्ष है तथा उनकी आयु 3:5:7 के अनुपात में है, सबसे छोटी लड़की की आयु ज्ञात की है। तो देखिए 3 लड़कियां हैं, ए बी और सी, अनुपात कितना है, 3:5:7, ठीक है। अच्छा इनकी जब हम औसत की बात करेंगे, ठीक है, तो औसत यहां पर देखिए कितना है, औसत जो दे रखा है वो दे रखा है 20 वर्ष, ठीक है। अच्छा तो अब आप काम क्या करें, देखिए अगर हम इन तीनों को जोड़ें, ठीक है, तो देखिए कितना आ रहा है, 7, 5, 12, 12 और 3, 15। तो हमारे हिसाब से जो आयु का योग आ रहा है वो 15 वर्ष आ रहा है, जबकि यहां पर औसत दिया है ना कि योग। तो यहां से पहले हम क्या निकालेंगे, योग निकालेंगे। योग निकालने के लिए क्या करते हैं, औसत गुणा संख्या। तो संख्या कितनी है, 3, 3 लोग हैं तो इसको 3 से गुणा कर दीजिए और योग कितना आ गया, 60। तो देखिए हमारे हिसाब से योग कितना है, 15 आ रहा है, जबकि प्रश्न के हिसाब से योग कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। तो 15 × 4 कितना होता है, 60, तो ये 4 गुना हो रहा है। अब आप क्या करिए, छोटी लड़की कौन सी, देखिए ए बी सी कौन सी सबसे छोटी है, किसका अनुपात सबसे कम है, तो देखिए ए का अनुपात सबसे कम है, तो इसको भी आप क्या कर दीजिए, 4 गुना कर दीजिए। तो 4×3 = 12, यानी कि सबसे छोटी जो लड़की है वो 12 वर्ष की है। तो यहां पर आपका आंसर सी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, लिखा है 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था। तो देखिए 4 वर्ष पहले की बात कर रहे थे, यहां लिख ले रहे हैं 4 - में, ठीक है, और यहां ए है और ये बी है, इनका अनुपात कितना है, 2:3, ठीक है। फिर इसके बाद कहा है कि 4 वर्ष पश्चात ये अनुपात कितना हो रहा है, 5:7 हो जा रहा है। तो देखिए 4 वर्ष बाद कहा है, तो यहां लिख लेना है 4 वर्ष बाद, और ये अनुपात कितना हो गया, 5:7। तो देखिए अब मैंने आपको बताया था कि अगर एक ही व्यक्ति होंगे, सेम ही व्यक्ति होंगे, तो दोनों की आयु में अंतर जो होगा क्या होगा, समान होगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों की आयु का अगर अंतर देखें, तो यहाँ पर देखिए कितने का एक अंतर है, 1 का, नीचे अगर अंतर देखें तो कितने का है, 2 का। तो ऊपर वाले को दुगना करेंगे, यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे, और यहाँ पर ये 2×4 हो जाएगा
और ये 2 3 6 हो जाएगा। तो देखिए इस वाले से कोई मतलब नहीं रहेगा, इसे हटा दीजिए। अब आपके पास 2 रेशियो, 1 4:6 और एक आपका है 5:6। तो देखिए दोनों एक एक साल बड़े हो रहे हैं, ये 4 साल पहले 6 साल का था और ये 7 साल का हो गया 4 साल बाद। तो देखिए इन दोनों आयु के बीच में अंतर कितने का है, देखिए वर्तमान यहां आएगा, ठीक है ये लाइन आपकी वर्तमान वाली है ये रही, क्योंकि देखिए 4 साल पहले और ये 4 साल बाद, तो वर्तमान बीच से गुजर के जाएगा, वर्तमान से 4 साल पहले और वर्तमान से 4 साल बाद, तो कितने का अंतर हो गया, कुल 8 साल का। तो यहां पर देखिए अंतर कितने का, 1 साल का। तो हमारे हिसाब से 1 साल का प्रश्न के हिसाब से 8 साल का अंतर कितने गुना हो गया, 8 गुना। कितने गुना हो गया, 8 गुना। तो अब आपको करना क्या है, उनकी वर्तमान आयु बतानी है। तो वर्तमान आयु के लिए दोस्तों सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो पहले वाली आयु है उसको निकाल लीजिए और उसमें 4 साल जोड़ दीजिए, ठीक है। अगर आप बाद वाले निकालेंगे तो भी आंसर आएगा, तो बाद वाले निकालिए और 4 साल इसमें घटा दीजिए, ठीक है। तो देखिए अगर मैं बाद वाली निकालूं तो 5 गुणा 8, दोनों को 8 गुना करना है, तो ये 40 साल का हो जाएगा ए, और जो बी है ठीक है ये हो जाएगा आपका 56 साल का। तो ये कब की आयु है, 4 साल बाद की, तो इन दोनों में से 4 साल कम करिए, यानी कि ए जो हो जाएगा वो 36 साल का हो जाएगा और बी जो हो जाएगा वो 52 साल का जाएगा, ठीक है 52 साल का। तो यहां पर आपका आंसर आ गया डी वाला, 36 वर्ष और 52 वर्ष, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर आ गया। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। लिखा है ए तथा बी की वर्तमान आयु 4:5 के अनुपात में है तथा 5 वर्ष बाद आयु का अनुपात 5:6 के अनुपात में होगा, ए की वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए सबसे पहले दो व्यक्ति हैं ए अनुपात और बी, इनकी देखिए वर्तमान आयु दे रखे, वर्तमान और फिर बाद वाली आयु। तो देखिए वर्तमान आयु में हम यहां लिख ले रहे हैं, वर्तमान आयु जो है ए की कितनी है 4 और बी की कितनी है 5, ये अनुपात दे रखा है। फिर इसने कहा कि 5 वर्ष बाद, तो 5 साल बाद, यहां +5 लिखेंगे 5 साल बड़े हो गए, और 5 साल बाद इनकी आयु का जो अनुपात होगा वो 5:6 हो जाएगा, कितना जाएगा 5:6। अब देखिए दोनों की आयु में अंतर क्या है, समान है, देखिए यहां पर कितना का अंतर है 1 का और यहां पे भी अंतर कितने का 1 का। तो आपको कुछ बराबर अब नहीं करना है और सीधे सीधे आप क्या करिए, देखिए ये लोग कितने साल बड़े हो रहे हैं 1 साल, यानी कि हमारे हिसाब से 1 साल बड़े हो रहे हैं जबकि प्रश्न के हिसाब से 5 साल बड़े हो रहे हैं, 5 गुना, ठीक है 5 गुना आ गया। तो अब आप देखिए अगर क्या पूछा है, एक की वर्तमान आयु पूछे ना, तो एक की वर्तमान आयु कितनी है 4 है, तो 4 को भी क्या कर दीजिए 5 गुना कर दीजिए, 4 5 कितना आएगा 20 वर्ष, आपका यहां पर आंसर आ जाएगा, कितना आएगा 20 वर्ष। सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरीके से आप इसको करिए, ठीक है। और वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए यूपीएससी परीक्षा ऑनलाइन क्लासेस को, ठीक है आपको सभी प्रकार के सब्जेक्ट यहां पर पढ़ाए जाते हैं। और पूरी वीडियो देखिए, ठीक है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ढेरों क्वेश्चंस के जवाब आपको दूंगा, ठीक है सारे चैप्टर कराने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, 6 साल पहले कमल तथा सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था, 4 साल बाद अनुपात 11:10 हो जाता है, सुरेश की वर्तमान उम्र बताइए। तो देखिए 6 साल पहले, तो -6 लिख लेंगे यहां पर, -6 और इनका जो अनुपात है, देखिए कमल है और सुरेश है, तो कमल के लिए K लिख लिया मैंने और सुरेश के लिए मैंने लिख लिया S, ठीक है। अनुपात कितना रखा है 6:5, कितना दिया है 6:5, ठीक है। और फिर 4 साल बाद क्या रहा है, तो +4, 4 साल इसमें जोड़ दिया और ये अनुपात कितना हो गया है आपका 11:10, कितना हो गया 11:10। देखिए आयु में अंतर क्या है, दोनों में समान है, ठीक है आयु में दोनों क्या है अंतर समान है, तो कुछ भी आपको बराबर नहीं करना है, सिर्फ ये देखिए कि यहां पर जो बड़े हो रहे हैं ये लोग कितने साल बड़े हो रहे हैं। तो देखिए ये 6 साल पहले 5 साल का था सुरेश और अब कितने साल का हो गया 10 साल का, इसी प्रकार से कमल 6 साल पहले 6 साल का था और अब कितने साल का हो गया 11 साल का, तो ये भी 5 साल बढ़ गया और ये भी 5 साल बढ़ गया। पर अगर हम देखें तो देखिए वर्तमान में इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, यानी कि जो वर्तमान यहां पर अगर आ जाएगा बीच में इनके, तो ये 6 साल पहले की बात हो रही है और ये हो रही है 4 साल बाद, तो कुल अंतर कितना है 10 साल का, इन दोनों की उम्र में कितने का अंतर है 10 साल का, जबकि यहां पर आ रहा है 5 साल का, तो ये 10 साल और 5 साल का दुगना हो गया, ठीक है दुगना आ गया, तो अब दोनों की आयु भी दुगनी हो जाएगी। तो देखिए इसने पूछा है कि सुरेश की वर्तमान आयु क्या है, तो देखिए सुरेश की आयु निकाल लीजिए, पहले आप 10 साल बाद वाली, सॉरी 4 साल बाद वाली निकाल लीजिए या पहले वाली निकाल लीजिए, और क्या कर दीजिए अगर बाद वाली निकालेंगे तो देखिए कितनी आएगी 20 आ जाएगी और इसमें से 4 साल कम कर दीजिए, 4 साल जब कम करेंगे तो कितना आएगा 16, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप इसको निकालेंगे 6 साल पहले वाली, तो 5 × 2 = 10 हो जाएगी और 10 में 6 साल जोड़ देंगे और ये कितने जाएगा 16 साल का, तो दोनों तरफ से आपका आंसर बिल्कुल राइट आएगा और ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा
अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 10वां और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए लिखा है कि पिता की आयु का उसके पुत्र की आयु से अनुपात 4:1 है, उनकी आयु का गुणनफल 196 है, 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। और करना कैसे, देखिए पिता की आयु और उसके पुत्र, तो देखिए पिता के लिए मैंने एफ लिख लिया है और पुत्र के लिए मैंने लिख लिया है एस, ठीक है। आयु के आयु से अनुपात, वर्तमान आयु है कितना है 4:1 है, ठीक है। और कहा इनका गुणनफल, ठीक है, तो गुणनफल यहां पर आपको दे रखा है 196। तो देखिए जैसा यहां गुणनफल का है ना, तो अब यहां पे भी गुणनफल कीजिए, 4 × 4 कितना आएगा, 4 × 4, ठीक है। अब करना क्या है, सबसे पहले आप ये देखिए यहां पर जब भी गुणनफल कहेगा, देखिए योग कहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, योग कह दे अंतर कह दे कोई दिक्कत नहीं, पर जब भी गुणनफल की बात करेगा तो आपको यहां पर या तो 4 लिखिए और 4 से सीधे सीधे इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूं, ठीक है। जैसे मैं 4 से इसको डिवाइड कर दूं तो देखिए डिवाइड करने पर कितना आएगा, 196 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 4 × 16, ठीक है, और 4 × 36 तो 49 आ जाएगा, ठीक है। ये जो 49 आएगा इसका आप अंडर रूट निकाल दीजिए, अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 7, ठीक है। एक ये तरीका होता है, या आप यहां पर 4x² लिख लीजिए, तो x लेके हम सवाल नहीं करेंगे, हम सीधे याद रखेंगे कि गुणनफल जब भी होगा तो हमें जो भी मतलब कंपेयर करके आएगा उसका अंडर रूट निकालना है, तो कितना आ गया अंडर रूट 7, ठीक है। 49 का अंडर रूट कितना आ गया, 7 आ गया, यानी कि अब ये सब कुछ 7 गुना होगा, यानी कि पिता भी 7 गुना हो जाएंगे, 28 वर्ष के हो जाएंगे, और जो पुत्र है वो भी क्या हो जाएगा, 7 गुना होकर कितने साल का हो जाएगा, 7 वर्ष का। पूछा क्या है 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो दोनों की आयु में हम 5 साल जोड़ देते हैं, तो 28 और 5 कितना हो गया 33, और 7 और 5 कितना हो गया 12, ठीक है। आयु का अनुपात निकालना है पिता और पुत्र की, तो ये 33 साल के हैं और ये कितने साल के है, 12 साल के, काट दीजिए 3 से, तो 3 × 3 × 3 और ये कितना आएगा 3 × 12, तो अनुपात कितना आ गया 11:4। ये आपका क्वेश्चन था, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, करा दिया, और देखिए आंसर यहां पर ये है, सी वाला इसका आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए लिखा है कि नीलम तथा मयंक तथा क्षमा। अच्छा दोस्तों अभी मैं इसको यहीं रोकता हूँ, ठीक है, और कल इसके बाद यहीं से आपको क्वेश्चन कराऊंगा अगली वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यूपीएससी परीक्षा ऑनलाइन क्लासेस, पुराने चैनल का नाम याद आ रहा है, यूपीएससी परीक्षा ऑनलाइन क्लासेस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों को इसे शेयर कीजिए, और जो भी आपको सब्जेक्ट, जो भी आपको क्वेरी पूछनी है आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे कल आपको इसी के साथ अगली वीडियो में, ठीक है, बाय बाय।